अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ रमज़ान से पहले की कुछ तैयारी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम बनाएंगे शुगर सिरप, इमली की चटनी और बेसन का मिक्सचर जो हमारे पकोड़े वगैरह में यूज़ होता है, और शामी कबाब जिसे हम फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे शुगर सिरप, जिसे हम शरबतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बर्तन में हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 ग्लास हम शक्कर ऐड करेंगे। 2 ग्लास पानी है और 2 ग्लास शक्कर। अब इसे मिला लेंगे चम्मच से और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पकने देंगे। हम 5 मिनट्स के लिए ही पकाएंगे इसे, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 पिंच। अगर ये ना हो तो आप कुछ खतरे नींबू के रस के भी ऐड कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए काम करेगा ये बस। अब इसे एक जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसे आप फालूदा, लस्सी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं इमली की चटनी, जिसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 महीने तक। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। दही बल्ला, दही बड़े, दही पूरी और भेल और कई सारी चाट में ये यूज़ होती है। इसके लिए हमें चाहिए इमली 250 ग्राम और गुड़ 250 ग्राम। यहाँ पर बीज निकले हुए इस तरह से इमली लेना है हमें। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम पहले। इस तरह की बीज निकली हुई इमली मार्केट में अवेलेबल होती है, अगर ना हो तो आप निकाल लीजिएगा बीज इसके सारे। और यहाँ पर गुड़ को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इमली को वॉश कर लिया है। अब इसे कढ़ाई में हम डाल लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे हम, जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। कुछ देर बाद इसमें अच्छा उबाल आ चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इसे ठंडा होने देंगे हम और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये अब ठंडी हो चुकी है, इसे ग्राइंड कर लेंगे एक जार में। देखिए इमली अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। अब जो कढ़ाई में हमने इमली बॉईल की थी उसमें एक छन्नी रखेंगे हम और ये ग्राइंड की हुई इमली इसमें डाल लेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे हम। ये जार में थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं और इसे भी ऐड कर लूंगी, और जो जार का लिड होती है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें ऐड कर लूंगी। इसे स्ट्रेन करने में भी आसानी हो जाएगी। इस तरह से पल्प नीचे आता जाएगा, देखिए इस तरह से सारा हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से छन चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून और 1 पिंच हम इसमें हींग ऐड करेंगे और हल्का सा इसे सौते करेंगे 30 सेकंड के लिए बस। अब इसमें हमने जो पल्प रेडी किया है वो ऐड कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे एक अच्छा बॉईल आने तक। उसके बाद में हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। देखिए अच्छा बॉईल आ चुका है, इसमें गुड़ ऐड कर देंगे हम और मीडियम से लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे हम। जैसा जैसा गुड़ घुलने लगेगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा लिक्विड भी हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर 2 टेबल स्पून। अब इसे पका लेंगे हम। इसमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जैसा पकेगा और कलर डार्क हो जाएगा इसका। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, ये इसमें ऐड कर लेंगे हम और इसे भी भून लेंगे हम, मसालों को इसके साथ पका लेंगे। देखिए अभी इस तरह से लिक्विड ही लग रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। इस तरह से आप चम्मच को डालकर निकालें, इस तरह से पीछे लगना चाहिए ये चटनी इससे, तो समझ जाएं कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे बंद कर देंगे हम और ठंडा होने देंगे।
देखिए ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब इसे स्टोर करने के लिए हम एक एयर टाइट बॉक्स में इसे डाल लेंगे और फ्रिज में रख लेंगे। इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखने से हमारा टाइम सेविंग हो जाता है और हम जो दूसरे काम होते हैं और जो हमारी इबादत होती है रमज़ान की वो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये एक बॉक्स फुल हो चुका है, अब और एक बॉक्स में मैं इसे डाल रही हूँ। ये कंप्लीट एक और आधा बॉक्स रेडी हुआ है। इस तरह से आप बनाकर स्टोर करके रख लें और अपने चाट वगैरह को एंजॉय करें। चलिए अब बनाते हैं इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 kg बेसन लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 tablespoon, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। अब इसमें हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 tablespoon। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश की हुई अजवाइन 1/2 tablespoon, इससे डाइजेशन अच्छा होगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 tablespoon गार्लिक और जिंजर पाउडर। अगर ये ना हो तो जब आप इसे मिक्स करेंगे पानी के साथ, जब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। अब इसमें 1/2 tablespoon हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 tablespoon, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को। अब इसमें हम सोडा ऐड करेंगे 1 tablespoon। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसे चाहे तो 2 kg बेसन में भी बना सकते हैं, मसालों को डबल क्वांटिटी में आप ऐड कर लें। इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक जो पाउडर है वो जो मैंने ऐड किया है वो अक्सर किसी के पास नहीं होता है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। जब भी आप पानी ऐड कर कर इसका बैटर तैयार करने लगेंगे उसमें हम बैटर के हिसाब से थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। और मन चाहे पकौड़े आप बना सकते हैं, पालक के, प्याज के, आलू के, अंडे के, ये सारे रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिल चुका है, इसे हम अब एक एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे स्टोर करके रख लेंगे हम। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बनाते हैं शामी कबाब। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg मटन। इस तरह से मैंने इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे एक कुकर में डाल लेंगे हम और इसमें हम ऐड करेंगे 1 cup चना दाल भीगी हुई। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज़ की प्याज रफली कटी हुई और कुछ हरी मिर्ची कटी हुई और कुछ हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम, 1/2 teaspoon शाही ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के पीसेस, 4 लौंग, 1/2 teaspoon हल्दी, 1.5 teaspoon लाल मिर्च और 1 teaspoon नमक, ये इसमें ऐड कर लेंगे हम। अब इसमें 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 1.5 tablespoon अदरक लहसुन ऐड करेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम 1/2 glass। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे हाई फ्लेम पर 4 सीटी तक और लो फ्लेम पर रखेंगे हम 20 मिनट्स के लिए। चलिए चेक करते हैं। मटन और चना दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसे ठंडा होने देंगे और इसमें कुछ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे इसे। देखिए मैंने इसे यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से स्मूथ ग्राइंड होना चाहिए ये। अब इसके कबाब बना लेंगे। हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम इसमें से लेकर कबाब का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से सारे बना कर रख लें आप। देखिए इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसे किस तरह से फ्रीज करेंगे वो बताती हूँ मैं। इस तरह से मैंने एयर टाइट बॉक्स लिए हैं, आप चाहे तो बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरह के 2 बॉक्स लिए हैं। अब इसमें हम पहले कबाब रखेंगे। कबाब मैंने रख लिए है, अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर रखूँगी। अब इन पर फिर से कबाब रखेंगे हम। अगर आप बड़ा बॉक्स ले रहे हैं तो इसी तरह से जमाइए, फिर बटर पेपर रखिए, फिर आप शामी कबाब जमाइए, फिर बटर पेपर रखिए। इस तरह से 2 से 3 आपकी सहूलत के हिसाब से आप जिस तरह का बॉक्स हो उस तरह से रख लें। इसकी लिड लगा देंगे और हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे।
इस तरह से फ्रीज कर लें और जब भी ज़रूरत हो निकाल कर आप फ्राई कर लें। तो ये थी रमज़ान से पहले या फिर रमज़ान में काम आने वाली एक यूज़फुल वीडियो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी या फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।